हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का हिंदी का वर्कशीट, जो कि हमें अपने लास्ट सेमेस्टर से पहले घर पे प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट दिया जाता है। तो वो है हमारा ये वर्कशीट, थर्ड स्टैंडर्ड का हिंदी का वर्कशीट है। काफ़ी छोटा सा है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े, उसे शुद्ध करके करने के लिए उसमें आवश्यकता बदलाव लाए व दोबारा लिखे। यानी कुछ वर्ड्स दिए हैं जिस जो उल्टे फुलटे हैं या फिर कुछ मीनिंग्स अलग हैं, तो उसे हमें करेक्ट करके इसे फिल करना है। तो जैसे शरीर के अंदर शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट है? नो, इसका करेक्ट आंसर क्या दिया है हमें? शरीर में शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट, किसी और लड़के को बुलाओ, तो हमें इसे करेक्ट करके लिखना है, किसी भी लड़के को बुलाओ। 7 बजने को 10 मिनट है, तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे हम? 7 बजने में 10 मिनट है, 7 बजने को 10 मिनट है, ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो ये होगा हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, 7 बजने में 10 मिनट है। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, इसे करेक्ट करते हुए लिखना है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, है ना, तो ये होगा हमारा करेक्शन। नेक्स्ट, पुस्तक पर नहीं लिखो, करेक्ट करेंगे पुस्तक पे नहीं लिखो। तो इस तरह से हमें कुछ वर्ड्स दिए होंगे जो कि थोड़े अदल बदल करके हमें इन्हें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हमें लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे को भी कुछ काम दो। अब ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि हमारे को भी कुछ काम दो, तो इसे हमें करेक्ट करके लिखना है, हमें भी कुछ काम दो। ये अच्छा लग रहा है ना सुनने में कि हमें भी कुछ काम दो, या फिर आप किसी को ऐसा बोलोगे कि हमारे को भी कुछ काम दो, ऐसा लगेगा कौन सा टपोरी उठ के आ गया, तो करेक्ट होगा हमें भी कुछ काम दो। कुर्सी छत में रखी है, अब कुर्सी छत में रखी है, ये सुनने में या बोलने में कितना अजीब, छत में यानी छत के अंदर, नो, तो करेक्ट प्रोनाउंस होगा कुर्सी छत पर रखी है। हमारी अध्यापिका विद्वान है, मेरी अध्यापिका विद्वान है, ये होगा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। उसके अंग अंग काटे गए, तो अंग अंग काटे गए बोलने से अच्छा है उसके अंग काटे गए। लास्ट है, मेरे को घर जाना है, अब ये कितना अलग लग रहा है सुनने में, मेरे को घर जाना है, तो इसे करेक्शन करेंगे, मुझे घर जाना है, ये सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है, मुझे घर जाना है, और ये मेरे को घर जाना है। तो कुछ इस तरह से आपको हिंदी का ये मिलेगा पेपर वर्कशीट, और इससे काफ़ी मिलता जुलता आपको सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, बताया जाता है, ताकि आपको ये अच्छे से प्रिपेयर होके आपको कोई भी तकलीफ ना आए। ठीक है, तो ये आपको पेपर पैटर्न या फिर सॉरी वर्कशीट आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और बाकी आपको सेमेस्टर का कोई भी हेल्प चाहिए या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। आपको कौन से सब्जेक्ट का, कौन से स्टैंडर्ड का, अगर आपको लास्ट सेमेस्टर का पेपर पैटर्न चाहिए तो आप उसके लिए भी मैसेज कमेंट करो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय, थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, थोड़ा अच्छे से लाइक दो, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। आप लोगों का कमेंट नहीं होता है, आप लोगों के लाइक्स नहीं होते हैं, आप लोग वीडियो पे अच्छा रिस्पांस नहीं देते, तो मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ मैं डीमोटिवेट ना हूँ, इतनी दया खा के थोड़ा सा कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।